हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है नौ और पाठ का नाम है कबीर की साखियां। कबीर दास जी माने जाने कवि रहे हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था और इनका पालन पोषण एक जुलाहे के घर में हुआ था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इनकी वाणी को इनके शिष्यों ने लिखा। इनकी कविता दोहा छंद में लिखी गई है जो यहाँ पर प्रस्तुत है। तो मैं इस इन दोहों का रीडिंग करूंगी और उनका मीनिंग भी बताऊंगी। पहला दोहा है, जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं, जाति ने पूछो साधु की, यानी हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, यानी कीमत किसकी होती है? तलवार की, म्यान की नहीं। यानी म्यान जिसमें तलवार को रखा जाता है, तो कीमत तलवार की होती है, म्यान की नहीं। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, आवत गारी एक है। जब हम किसी को गाली देते हैं तो हमारे मुंह में एक गाली आती है। उलटत होई अनेक, अगर दूसरे की गाली का हम जवाब नहीं देते हैं तो हमारे पास एक ही गाली रहती है। अगर हम लौट कर जवाब देते हैं तो फिर दूसरा आदमी भी हमें एक से ज्यादा गाली देता है। तो इसलिए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को गाली ना दें। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक किए। हमें उलट करके यानी लौट करके गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो सामने वाले ने हमें गाली दी है वो एक ही गाली हमारे पास रहती है। बच्चों नेक्स्ट दोहा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनुआ तो दौद से फिरे, यह तो सुमेरन नाय। माला तो कर में फिरे, जब हम पूजा करते हैं तो माला जो होती है राम नाम की, वो हमारे हाथों में ऐसे घूमती रहती है। जीव फिरे मुख माय, और हम जीव जो है हमारे मुंह में चलती रहती है, घूमती रहती है। मनुआ तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाय। मनुआ यानी हमारा जो मन है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो हम जो है ईश्वर का नाम लेते समय भी हमारा मन हमारा शांत नहीं रहता है, तो ऐसे सुमिरन का, ऐसे प्रभु को याद करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि पूजा करते समय, राम का नाम लेते समय हमारा मन स्थिर होना चाहिए। नेक्स्ट दोहा है, कबीर घास ने निंदिए, जो पाऊं तली होय, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दोहेली होय। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर घास ने निंदिए, यानी कबीरदास जी कहते हैं कभी भी हमें घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। अर्थात कोई छोटा व्यक्ति है या कोई छोटी वस्तु है, हमें उसे कम समझ करके उसकी निंदा या उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और खासकर कौन सी वाली घास? जो पातल हो, यानी जो पांव यानी पैरों के नीचे होती है। उड़ी पड़े जब आंख में, और वही पैरों के नीचे वाली घास जब उड़ करके हमारी आंखों में गिर जाती है, खरी दुहेली हो, बहुत दुख देती है, बहुत कष्ट होता है। नेक्स्ट दोहा है, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे, दया करे सबको। कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं,
संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। कैसे, कब, जो मन शीतल हो। अगर हमारा मन शीतल होगा, कोमल होगा, हम दूसरों के प्रति हमारा जो नम्र व्यवहार होगा, तो हमारा संसार में कोई भी दुश्मन नहीं होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सबको। या आपा यानी घमंड, जो हमारे मन का जो घमंड है उसको हमें समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। दया करे सबको, अगर हम अपने घमंड को समाप्त कर देंगे तो हर कोई हम पर दया करेगा, हमारे प्रति दयावान होगा। धन्यवाद।